पानीपत में बेखौफ बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पानीपत और सोनीपत के बैंक, बस स्टैंड और अस्पताल के बाहर से बाइक चोरी कर भरलौर गांव स्थित ईंट भट्टों पर छिपा दिया करते थे। फिलहाल आरोपियों के कब्जे से चोरी की 17 बाइकें बरामद की गई हैं। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वह दोनों आरोपी करीब 8 महीने से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय थे, जो लोगों की रेकी कर उनके वाहनों को निशाना बनाते थे। वहीं पुलिस उपाधीक्षक राजबीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पैसा कमाने के लिए बाइक चोरी की वारदातों की बात कबूली है। पानीपत के पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में CIA थर्ड ने एक बाइक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें हमने 17 बाइक बरामद की है। दो अक्यूज हमने गिरफ्तार की है इस संबंध में, जो ये मोटरसाइकिल चोरियां करते थे। इस संबंध में अभी हमने इनका पुलिस रिमांड लेना है, और पुलिस रिमांड लेकर के और भी जितनी भी बरामदगी होगी और जो इनके साथी हैं अन्य, उनके बारे में भी पता करना है। कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ बरामद की? मोस्टली इन्होंने ये लक्ष्मी भट्टे पे काम करते थे, बलोर लक्ष्मी भट्टे पर काम करते थे। वहाँ पर इन्होंने जो क्वार्टर बने हुए हैं उनके, वहाँ पे इनको मोटरसाइकिल चोरी कर करके वहाँ छुपा देते थे। तो ये मोस्टली जहाँ से चुराते थे ये निशाना बनाते थे, जिस तरह कोई बस अड्डा है या कोई बैंक है या सिविल हॉस्पिटल है, जहाँ पर ये एक निगरानी रखते थे कि कौन मोटरसाइकिल खड़ी करके गया है और ये अंदर चला गया, तो एक उसको निकाल देता, वो इशारा कर देता था, वो निकाल कर ये मोटरसाइकिल निकाल करके चले जाते थे। कितनी बाइक से इन्होंने चोरी की? अभी तो हमने जो बरामद की है वो 17 बाइक की है। एक तो मौके पर बरामद की है और 16 अन्य बरामद की है, जो लक्ष्मी भट्टे पर जो क्वार्टर में बने हुए थे वहाँ से बरामद की। क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर इनका कोई पहले का? अभी हम पहले के रिकॉर्ड के बारे में, इसके बारे में देखेंगे, और जो पुलिस रिमांड लेने के बाद ये सभी बातें सामने आ जाएगी कि इनके साथ गिरोह में और कौन कौन सदस्य है और इन्होंने कहाँ कहाँ बेची है और इनके साथ साथ कौन कौन है, और मोस्टली इनकी जो वारदात मॉडस ऑपरेंटी है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। एक बार इसका पुलिस रिमांड ले लेते हैं उसके बाद का। ये UP के हैं रहने वाले, यहाँ पे अपने हरियाणा में लक्ष्मी भट्टे पे काम करते हैं। ये बाइक चोरी मोस्टली निशाना बनाते थे, जिस तरह एक बैंक में काम करने जा रहा है या कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है तो वो मोटरसाइकिल खड़ी करेगा, या बस अड्डे पे जा रहा है तो वहाँ पे बाहर खड़ी करेगा, ये इनका निशाना रहता है। देखते रहते थे कि ये मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी है और उसका जो मालिक है वो चला गया, अंदर चला गया या आप काम के लिए चला गया, तो एक उनको इशारा कर देता, वो निकाल करके लेकर के चला जाता था, और फिर ये आराम से उस मोटरसाइकिल को अपने भट्टे पे जहाँ पे जो इनका छुपाने का था वहाँ पे ये रख देते थे। सर ये पहली बार अरेस्ट? अभी इसके बारे में जानना है अभी कि ये इन्होंने पहले कितनी वारदात की थी और इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक राजबीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों ने शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लिए बाइक चोरी करने की बात कबूली है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पे लिया है, ताकि गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों और बाइक चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा हो सके। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।